हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एएलपी से साइको से संबंधित है दोस्तों, कुछ अपडेट मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आपको पता है कि आरआरबी ने नोटिस जारी किया था, मैंने कम्युनिटी के अंदर डाल दिया था दोस्तों वो नोटिस। मैंने सोचा वीडियो बनाने से अच्छा वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाए। तो वहाँ पर जो नोटिस डाला था उसके अंदर की तीन पार्ट, नंबर 3 और 4 उसके अंदर थे फिगर वाले। उनमें अगर किसी को फिगर शो नहीं हुई थी तो वो अपना रिस्पॉन्स उसके अंदर दे सकते थे। एक लिंक प्रोवाइड करवाया था आरआरबी ने 15 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर 17 तारीख को आपको 12 बजे तक वो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा दोस्तों। तो अभी भी वो एक्टिवेट है। तो उसके अंदर दोस्तों काफ़ी लड़कों के ये भी यहाँ पर इश्यू आ रहे थे कि दोस्तों उसके ऊपर जो ब्रिक्स टेस्ट था उसके अंदर कुछ हम अगर दे देते हैं उसके अंदर रिस्पॉन्स तो हमारी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ये तो दोस्तों पहले वायरल मतलब मैसेज वायरल हो रहा था, तो उसके बाद में आज से दोस्तों आज मैंने नोटिस देखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक नोटिस आरआरबी की तरफ से, कि आरआरबी ने नोटिस दिया है कि आपकी 1294 अभ्यर्थियों की कैंडिडेंसी है वो रद्द कर दी गई है। आरआरबी ने 16/5/2019 को का ये अपडेट है दोस्तों शाम के 5 बजे तक। तो दोस्तों ये नोटिस है आपका सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द होने का नोटिस है वो वायरल है, सच है या झूठ है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों पूरी वीडियो में। तो दोस्तों इस कारण आपको ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो गया, वरना मैंने आपको कम्युनिटी के अंदर दे दी थी अपडेट कि आपका जो नोटिस है वो आ गया था। तो दोस्तों हम दोनों नोटिसों की बात करेंगे आज वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, आगे की पल पल की अपडेट आपको इसी के मैं प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो वो नोटिस है जो आरआरबी ने यहाँ पर दिया था कि इमेज नॉट विजिबल। तो दोस्तों जिनको इमेज नहीं दिखी थी वो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आरआरबी की साइट के ऊपर लिंक है वो एक्टिवेट करवाया गया था, आपको यहाँ पर दिया गया है देखो 15 तारीख से 5 से आपको 5 बजे से 17 बजे से आपका 12 बजे तक है वो 17 तारीख तक एक्टिवेट रहेगा। उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स डाल सकते हो, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड है वो आपको जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट डे यानी 18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो आप। ई कोलेटर सीधा सीधा ई कोलेटर ही मिलेगा दोस्तों। और 21 तारीख को आपका साइको वो प्रस्तावित है फिलहाल दोस्तों, अभी तक तो होने के चांसेज हैं, क्योंकि अगर 2 दिन में आपके रिस्पॉन्स मिल जाते हैं जिन जिनके नहीं दिखे और जिनका रिशेड्यूल हुआ है, भुवनेश्वर जोन में आपका उड़ीसा के अंदर और ये कोलकाता की सिटी का हुआ है दोस्तों, उनका भी 21 को ही होगा, तो दोनों का साथ करवाने का प्लानिंग है वो रेलवे की है दोस्तों। तो अब ये यहाँ पर आगे क्या होता है इसका, ये तो आज ही शाम को ही पता लगेगा। अगर आज कन्फर्म आपका लिंक है वो बंद हो जाता है तो दोस्तों आपका साइको होगा 21 को होगा, वरना आपका पोस्टपोन भी हो सकता है 5 से 7 दिन तक। तो दोस्तों ये नोटिस आरआरबी ने जारी किया था, तो इसके अंदर दोस्तों ये दिया गया था कि अगर किसी के और कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो फॉल्स रिस्पॉन्स है वो ना दे यहाँ पर, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब उन्होंने बस यही लिखा था इसके अंदर आपका। और जो 10 तारीख को आपको साइको अटेंड किए थे उन्हीं का दोस्तों वहाँ पर लॉगिन हो रहा है, और काफ़ी का दोस्तों लॉगिन होते ही ये बता रहा है कि आपका है वो लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों उनका है वो साइको लॉक कर दिया गया है आरआरबी की ये साइट द्वारा, वहाँ पर आपको उनको पता लग गया है कि आपका वो पूरा सही है, तो आपका मार्किंग हो गया है दोस्तों। आपको पता है कि रेलवे बहुत ज़्यादा फास्टली काम कर रहा है अभी, तो दोस्तों उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए जिनका कंप्लीट हो गया है उनका वो दोस्तों रिजल्ट जारी कर देंगे, और आपका जो रिस्पॉन्स जाएगा उनको वो चेक करेंगे दोस्तों। किसी ने बोला कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों ऑनलाइन ऐसा सिस्टम है कि आप डालोगे तुरंत वो भी देख लेंगे खोल के कि हाँ इस बंदे के पिक्चर है वो शो हुई या नहीं हुई या किस कैसे रिस्पॉन्स डाल रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर उनको सब पता चल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें वहाँ पर। कुछ जिनको ब्रिक्स टेक्स में प्रॉब्लम थी, जिनको सीरियल वाइज जिन्होंने ऑप्शन नहीं फिल किए, जिन्होंने सीरियल वाइज फिल कर दिए और ऑप्शन चेंज आए थे दोस्तों, वो नॉर्मल बात थी। वहाँ पर ऑफिशियली जो नोटिस आया था साइको का उसके अंदर साफ दिया गया था कि ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में ये आए दोस्तों, क्रम है वो चेंज हो सकता है, आपका ABCD ऑप्शन वाइज चेंज कर सकता है दोस्तों। ये आरआरबी का अपने ऊपर डिपेंड था दोस्तों, तो जिनका भी जैसा भी हुआ साइको वो अपना अच्छा समझें। और अदर जो यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी है उनका दोस्तों वहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दें अगर आपको प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसके अलावा कोई भी वहाँ पर रिस्पॉन्स ना दें, ना हो कि आपका कुछ हो जाए, आपकी कंटीजेंसी रद्द भी कर दे, आरआरबी कुछ भी कार्रवाई कर ले, तो आपके हाथ से टेक्नीशियन पोस्ट में आपके जो चांसेस हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे दोस्तों दोबारा से साइको देने पर। और जो एक बार नहीं हुआ दोबारा भी वो नहीं कर पाओगे, ये आपके मन का वहम है कि हम दोबारा से ज़्यादा नंबर ले आएंगे वो आएंगे। तो दोस्तों जो आरआरबी ने जारी किया है वही उसी हिसाब से आप नियम हो फॉलो करते जाएँ तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों अब जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ दिखा दूँ।
तो दोस्तों अब ये नोटिस है आपका, ये वायरल हो रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, RRB। तो दोस्तों सेम ये ऊपर वाला ये वही दिया गया है, सेम प्रोसेस, इमेज नोट है दिखी जिनको भी। तो इनको दोस्तों क्या बताया गया है कि अगर इनके सिवाय 4 और 5 टेस्ट है उसके सिवाय किसी ने रिस्पॉन्स किया है तो दोस्तों उनका यहाँ पर कंटिजेंसी रद्द कर दी गई है। यहाँ पर 16/5/2019 की शाम को 3 बजे तक की रिपोर्ट है आपकी, आप आगे से दोस्तों सावधान रहें। इसके अंदर ये लिखा गया है कि 1249 कैंडिडेट हैं वो आपको रॉन्ग या गिल्टी पाए गए हैं, देयर कैंडिडेट सेंड कैंसिल एंड नो फ्यूचर। आपको RRB की आगे की कोई भी यहाँ पर भविष्य के अंदर जो भी वैकेंसी निकलेंगे उसके अंदर ये 1249 कैंडिडेट हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कुछ ऐसा इस नोटिस में लिखा गया है कि आगे से आप ध्यान रखें, 16/5/3 बजे तक की रिपोर्ट है आपका, आगे से अपने ऊपर खुद का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो डेट 16 डाली गई है, RRB यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड्स बताए गए हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर नोटिस है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जहाँ तक दोस्तों मैंने चेक किया, 21 जोन, लगभग 21 लगभग पूरे 21 जोनों के ऊपर जहाँ पर हमको नोटिफिकेशन है वो मिलती है दोस्तों। मैंने सभी की साइटें ओपन की करके देखी है दोस्तों, ऐसा कुछ नोटिस मेरे को मिला नहीं है दोस्तों। तो हम इसे 101% बोल सकते हैं ये फैक है। और ये दोस्तों फैक है, ये किसने बनाया है ये भी मैं आपको बता दूं, जिनका दोस्तों आपका साइको बहुत अच्छा गया है, ब्रिक्स टेक्स है, जिन्होंने सीरियल वाइज फील कर दिया, जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं उनकी दोस्तों ये यहाँ पर ये चाल है कि कोई दोबारा ना फील कर दे दोस्तों। तो ऐसा कुछ दिया तो नहीं गया RRB की नोटिस में कि उनकी कंटिजेंसी रद्द कर दी जाएगी और आगे की वो RRB की एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं दिया गया है। पर दोस्तों आप मान सकते हो कि कार्रवाई कुछ भी हो सकती है उसके अंदर, पर ये नोटिस सरासर दोस्तों अब तक तो दोस्तों मैंने जितनी भी साइटों पर देखा किसी पर भी नहीं है, तो अब तक तो ये गलत है, बिल्कुल भी गलत। तो आप इन पर विश्वास ना करें और अपना जो भी, मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, जिनको टेस्ट नंबर 4 और 5 में जो भी प्रॉब्लम है वही दोस्तों आपका रिस्पॉन्स दें, बाकी दोस्तों रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है, हो सके आपका मई के अंत में ही देखने को मिल जाए या फिर जून में, तो कंफर्म है दोस्तों मई के अंत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिनका यहाँ पर लॉक हो गया है दोस्तों उनका यहाँ ये समझो आप कि उनका साइको के लिए सीट है वो भी चेक हो गया है, उनका पेपर है वो चेक हो गया है दोस्तों, जिनका लॉक है वो चेक हो गया है या फिर हो जाएगा चेक, तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उनको छोड़ें दोस्तों, रिजल्ट का वेट करें, जिनका अच्छा हुआ है दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और जिनका थोड़ा सा कुछ भी हुआ है दोस्तों वो टेक्नीशियन में जा सकते हैं। ये हम आपको बता दूं कि टेक्नीशियन आपके हाथ में है अभी भी, ALP का जिन्होंने भी साइको दिया है, टेक्नीशियन अगर आपके CBT2 के पार्ट A के अंदर अच्छे खासे नंबर हैं तो आपके हाथ में अभी भी टेक्नीशियन पोस्ट है दोस्तों। और ITI वालों के तो कन्फर्म, मानो आप ITI वालों के तो कन्फर्म है वो आपकी टेक्नीशियन पोस्ट है वो हाथ में है दोस्तों। और बाकी PCM और डिप्लोमा वालों के, SNT की जो पोस्ट है, PCM की जो पोस्ट आती है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वालों के, वो दोस्तों उनके अभी भी कवर में है, अगर उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं पार्टे में। तो दोस्तों साइको जैसा भी हो आपको उसके ऊपर निराश नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, और दोस्तों ITI वाले और PCM वाले एक्सेप्टेड कट ऑफ देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, अलग अलग जोन की पूरी एनालिसिस के साथ आपको पूर्ण रूप से हर कैटेगरी की ट्रेड वाइज, हर ट्रेड की कितने वैकेंसी हैं, कितना कट ऑफ हो जा सकता है, वो दोस्तों मैं आपको 15 जोनों का वो प्रोवाइड करा चुका हूँ, बाकी भी आपको जल्द ही दोस्तों वे देखने को मिल जाएंगे। 2 वीडियो 3 आपके जोन एक वीडियो के अंदर आपको मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप अपना व्यूज़ दें, देखें और उसके अंदर आपका व्यूज़ दें कमेंट के अंदर, जो भी आपको सही लगे तो सही लाइक करें वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक करें, वरना आपको अपना व्यूज़ है वो कमेंट के अंदर दें कि सर इतनी है वो मेरिट नहीं जाने वाली है, जितनी भी मेरिट है वो नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों ये नोटिस अभी तक तो फेक है, और आगे की मेरे को जो भी अपडेट मिलती है वो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा बिना किसी लेट के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम्युनिटी के अंदर भी मैं पोस्ट डालता हूँ दोस्तों, जो भी छोटी मोटी अपडेट मेरे पास आती है, कोई भी नोटिस छोटा वायरल होता है, कोई भी GK का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ आपकी जो सस्पेंस था मन में एवं नोटिस जो देखकर उसको मैंने पूर्ण रूप से दूर किया दोस्तों। अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक 21 जोन की किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस है वो नहीं है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आगे अगर कुछ ऐसा होता है, याद आता है, तो दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मेरी नहीं है, उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ ऐसा होता है। तो आप अपना अगर सेफ हैं, आपने नहीं किया है कुछ भी दोस्तों, नो रिस्पॉन्स दिया तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है, मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में कंफर्म आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।